तो आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे सोनीपत का दौरा, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सोनीपत के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री देंगे, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 7500 से अधिक लाभार्थियों को प्रमाण पत्र मिलेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि अब लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे सोनीपत का दौरा, सोनीपत के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी, इस वक्त की बड़ी अपडेट। जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी सोनीपत के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां सोनीपत का दौरा करेंगे नायब सैनी सोनीपत के लिए रवाना हो चुके हैं। लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री देंगे। 7500 से अधिक लाभार्थियों को प्रमाण पत्र मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की जो तैयारी है वो अब पूरी कर ली गई है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी का सोनीपत का दौरा है, सोनीपत के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री देंगे आज सीएम। 7500 से अधिक लाभार्थियों को ये सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सोनीपत का दौरा करेंगे, सोनीपत के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी। आज लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री देंगे, उसका सर्टिफिकेट लाभार्थियों को देंगे। 7500 लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया राय जुड़ी हुई है और सतत जानकारी देंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सोनीपत के लिए अब रवाना हो चुके हैं, जहां 7500 से अधिक लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री और सर्टिफिकेट देंगे। जी बिल्कुल, देखिए जयपाल, जिस तरीके से हरियाणा के सीएम नायब सैनी राजधानी दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में ऐतिहासिक दिन में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेनी थी वो पहुंचे हुए थे और रुके हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से शपथ समारोह समापन हो चुका है, एक नई कैबिनेट बनकर तैयार हो चुकी है, तमाम जो आप कह सकती हैं कि एक तरीके से जो भी सफलताएँ हैं वो बीजेपी को इस वक्त दोबारा से सरकार बनाने में मिल चुकी है। अब उसके बाद से जो भी मंत्री हैं या नेतागण हैं वो अपने अपने कार्य की ओर लगातार रवाना हो रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बात की जानकारी पहले ही दी थी कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही 100 दिन के अंदर अंदर काफी बड़े कार्य को धरातल पर उतरकर किया जाएगा। और उसी कड़ी में अगर बात करें तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी अब राजधानी दिल्ली से सोनीपत के ये रवाना हो चुके हैं, यानी कि सोनीपत का दौरा उनका है, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन मुरथल में किया जा रहा है, जिसकी जानकारी दी गई है। वहां पर जो महात्मा गांधी गरीब बस्ती योजना है उसके तहत 100-100 गज के जो वर्ग के जो प्लॉट्स होंगे वो ग्रामीणों के बीच में आवंटित किए जाएंगे, यानी कि उन्हें बांटा जाएगा। और खास बात ये है कि ये जो प्लॉट दिए जाएंगे वो करनाल और सोनीपत, रोहतक और पानीपत के जो गरीब
करीब लोग हैं उनके बीच में आवंटित होगा और इसके अलावा एक बड़ी स्क्रीन प्ले होगी जहां पर इस योजना के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये जानकारी जरूर दी गई है कि इस बात का ब्यौरा पूरी धरातल पर उतर कर लिया गया है कि ग्रामीण महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से गरीब जो परिवार है वो शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग जो डाटा निकलकर सरकार के सामने आया है उसमें अभी तक 7,000 से अधिक जो लाभार्थी हैं उनको ये प्लॉट सौंपे जाने हैं। इसमें खासकर सीएम भी मौजूद होंगे और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी विधायक होंगे यानी कि जो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम होंगे उनमें विधायकों के जरिए भी इस योजना का लाभ जो है वो गरीबों के पास तक बिल्कुल कहीं ना कहीं योजना का लाभ गरीबों को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।